पुरी सिंहद्वार सम्मुखरे निर्माणाधीन सूचना केन्द्र को विरोध। सिंहद्वार सम्मुखरे सूचना केन्द्र रहिले हेरिटेज भ्यू नष्ट हेबो बोली अभियोग आणिछंती सूचना अधिकारी कर्मी दिलीप बराळ। श्रीमंदिर चौहदीर 100 मीटर भितर कौनसी निर्माण पाई एएसआई को अनुमति आवश्यकता रही बेले बिना अनुमति ही निर्माण को बंद करने जिलापा दावी जनाई दिलीप। सिंहद्वार सौंदर्य नष्ट होगा सहित यह निर्माण फल लक्ष लक्ष टा व्यय पुनरुद्धार होता छाउणी मठर हेरिटेज भ्यू नष्ट से अभियोग सहित निर्माण जो ब्यारिकेड बाहर रही पतित बावन दर्शन करुवा श्रद्धा असुविधा हो। बागड़िया मठ निकट एक सूचना केन्द्र रही बेले आउ यार आवश्यकता नहीं से कहवा सहित तुरंत यह बंद करने को से जिलापा तथा श्रीमंदिर उपमुख्य प्रशासकों को दावी जनाई सेपटे जहाँ भी होचाला कमिटर निष्पत्ति अनुसार होवर्त समय दरखास्त को विचार करा जिलापा जहाँ भी वर्तमान अच्छी से मैनेजमेंट एमसी कमिटी अनुमोदन हो कि से कार्यटी वर्तमान टेकअप करी कौन सी अभियोग अच्छी देन आगामी दिन में मंदिर में पुनर्बार एप्रोप्रिएट फोरम आलोचना कर देखु श्रीमंदिर सम्मुख सिंहद्वार जो भाव बर्तमान गोटे निर्माण कर सूचना केन्द्र से एसआई तरफ अनुमति निया एवं से सूचना केन्द्र निर्माण करागले छाउणी मठर गोटे पार्श्व कांत संपूर्ण लुचिजी एवं सिंहद्वार प्रवेश पथर बाम पट सिंहमूर्ति दूर दृश्यमान हेनी तो से सूचना केन्द्र न कर दावीपत जिलापा कार्यकारी देखिए कि आमर श्रीमंदिर चतुर्पाश्व 75 मीटर भंगागला बहुत खाली जगह भी अच्छी एपटे आमर श्रीमंदिर सम्मुख भाग में बड़दाण गोटे पार्श्व आमर बागड़िया धर्मशाला को प्रशासन दखल को नहीं से सूचना केन्द्र गोटे कर थाना अन्न फांडी पतनपीट चलुअ से ही जगह सूचना केन्द्र हमें चलो किस गोटे 75 मीटर भंगा जाए गोटे पार्श्व कराया चलो कितु सिंहद्वार सम्मुख भाग में हवा द्वारा कौन हो जगह कंजेस्टेड हम ये गहली दिन मानक जोड़ा पिछली उठी से श्रीमंदिर भल देखा देखते दूर नीलचक एलईडी लाइट मध्यम फोकस कर नीलचक दूर दृश्यमान होगा आगे कि परिक्रमा प्रकल्प पूर्व एत मात्र लाइट नीलचक फोकस कर भल देखा बर्तमान लाइट व्यवस्था कर लक्ष लक्ष टा खर्च कर जो सिंहद्वार सम्मुख भाग में गोटे अस्थायी हूँ कि स्थायी हो बर्तमान गढ़ा जाटा श्रीमंदिर अधा श्रीमंदिर सिंहद्वार अधा भाग लुचिजी सौंदर्य नष्ट हे सौंदर्य नष्ट ना तुम दरखास्त दावीपत्र लिखी से कौन पदक्षेप नौ जना पड़ा पुरी तपन कुमार लेंका रिपोर्ट खबर ओडिशा।